नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन जाकर करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर। यहाँ पर दोस्तों वोटर आईडी कार्ड का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाकर अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों, आप NVSP डालकर भी गूगल क्रोम पर सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का लिंक आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। हमने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का जो लिंक था उसे ओपन कर लिया है। तो अभी दोस्तों नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का जो वेबसाइट है हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होके आ गया है। जैसा कि दोस्तों हमें हमारा वोटर आईडी में करेक्शन करना है तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे देखिए वोटर पोर्टल का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलते दोस्तों इसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। और जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों, हमारा जो वोटर पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल है तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो ऊपर देखिए डोंट हैव एन अकाउंट के बगल में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हमें यहाँ अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके उसे हमें फिल कर लेना होता है। जैसा कि दोस्तों हमारे पास अभी फ़िलहाल मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर वोटर आईडी पोर्टल के द्वारा एक OTP भेज दिया जाता है और वो OTP हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर वोटर आईडी पोर्टल के द्वारा जो OTP भेजा गया था उसे हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। और अभी फिल करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अभी हमें क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा पासवर्ड सेट करना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सजेशन पासवर्ड जो दिया है देख लीजिए, उसमें कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, तो हम उसी के हिसाब से हमारा जो पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक बार हमारा पासवर्ड फिल कर लिया है तो रिपीट हमें नीचे जो है कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन पर दोबारा से वही सेम पासवर्ड फिल कर लेना है। दोस्तों, पासवर्ड फिल करने के बाद और नीचे दिया गया कच्चा हमें प्रॉपरली फिल कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया 22+1=2 कितना होगा, तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं 23 और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा वोटर पोर्टल का जो लॉगिन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों, हम नीचे जो वेलकम का ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम वेलकम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से योर प्रोफाइल डिटेल्स का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमसे हमारी जो प्रोफाइल की डिटेल हैं वो पूछी जा रही हैं, मतलब जो जिसका भी हम वोटर आईडी करेक्शन कर रहे हैं उनका जो प्रोफाइल है उसे हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं, जैसा कि उनका नाम, उनका सरनेम और स्टेट और मेल फीमेल, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेते हैं, आगे जो राइट साइड में कॉर्नर पे नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अभी दोस्तों यहाँ से हमें अगर नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो वो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर देखिए यहाँ पर करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड, मतलब दोस्तों हमारा जो वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ गलती हो गई या कुछ जो है चेंजेस करना है तो यहाँ से दोस्तों हम डायरेक्टली जाकर हमारा वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम करेक्शन इन वोटर आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों राइट साइड में लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है,
तो चलते दोस्तों इसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों हमारे पास जो है पहले से वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है या नहीं। अगर दोस्तों हमारे पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर अवेलेबल है तो हम यस आई हैव वोटर आईडी नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। और नीचे यहाँ पर देखिए वोटर आईडी नंबर पूछा जा रहा है तो हमारा जो वोटर आईडी नंबर हमारे पास अवेलेबल है उसे हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर प्रॉपरली फिल कर लिया है। अभी देखिए राइट साइड में फेस डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है तो चलते दोस्तों फेस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम फेस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नीचे देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी। तो हमारा जो डिटेल्स है वो मिल चुका है तो चलते हम दोस्तों प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो वोटर आईडी कार्ड पर जो भी डिटेल्स है हमारे सामने देखिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर जो हमारा डिटेल्स है उसे प्रॉपरली वेरीफाई कर लेना है। अगर दोस्तों इसमें देख लेना है हमें क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं वो अच्छे से वेरीफाई करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमसे हमारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए बोला जाता है तो हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हम सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है वोटर पोर्टल के द्वारा। तो चलते दोस्तों ओटीपी हम यहां पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं और ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है तो वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा जो मोबाइल नंबर है उसे हम प्रॉपरली रजिस्टर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेते हैं तो हमारे सामने देखिए करेक्शन करने के लिए कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे वोटर आईडी कार्ड में जो भी हमें करेक्शन करना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों हमें नेम, एज, जेंडर, फोटोग्राफ, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एड्रेस करेक्शन, वोटर आईडी इन न्यू फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें से हमें जो भी करेक्शन करना है जो है वो हम सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें नेम एंड नेम ऑफ रिलेटिव का ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि दोस्तों हमें नेम एंड नेम ऑफ रिलेटिव जो है वही करेक्शन करना है तो चलते हैं दोस्तों उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हमें जो भी नाम हमारे वोटर आईडी कार्ड पर चाहिए वो हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा भी है इंटर द डिटेल्स विच नीड्स टू बी करेक्टेड और चेंज्ड। मतलब हमारे वोटर आईडी कार्ड पे हमें अभी फ़िलहाल क्या चाहिए वो हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। पुराना वाला भूल जाइए, अभी जो हमें फ़िलहाल नया चाहिए वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल कर लिया है और नीचे की तरफ अभी हम स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम इंग्लिश में यहाँ पर हम टाइप करेंगे हमारा जो नीचे जो लैंग्वेज है हिंदी का वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें जो है कुछ चेंजेस करना है हिंदी का जो ट्रांसलेट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पर ट्रांसलेट जो है उसे हम सुधार सकते हैं। दोस्तों जैसे दोस्तों हम यहाँ पर नाम हमारा प्रॉपरली फिल कर लें तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं तो हम यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं जिस पर हमारा जो है नाम प्रॉपरली मेंशन है। ठीक है, अभी नीचे की तरफ चलते तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ रिलेटिव का भी ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसे भी करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने ऊपर जो है सेलेक्ट किया था कि हमें नेम ऑफ रिलेटिव भी करेक्ट करना है। जैसे कि हमारा जो रिलेटिव का नेम था उसमें स्पेस नहीं था तो दोस्तों हम यहाँ पर स्पेस भी कर लिए हैं, मतलब उसका करेक्शन कर लिए हैं। और नीचे सरनेम हमारे नेम ऑफ रिलेटिव में नहीं है तो उसे हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए एक और ऑप्शन है रिश्तेदार का उपनाम दर्ज करें। अगर आपको उपनाम दर्ज करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो अभी चलते दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए जनरल डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पर डेट जो है ऑटोमेटिकली आ चुका है आज का। और राइट साइड में देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट दिख रहा है तो हमारा जो एप्लीकेंट का नाम है वो यहाँ पर हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। हमने जो अभी करेक्ट किया है वहीं फुल नेम यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लेस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लेस के ऑप्शन पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और आगे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे हम यहाँ पर फिल कर लिया है। तो चलते दोस्तों अभी सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। हमने जो भी डिटेल्स फॉर्म में फिल किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर, अगर हमें एडिट करना है तो एडिट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा जो फॉर्म है उसे हमें एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर हमें प्रॉपर लग रहा है, हमने जो भी डिटेल्स फिल किया वो प्रॉपर है, तो हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वोटर आईडी करेक्शन का वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए नीचे देखिए दोस्तों योर एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी इज, यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन आईडी है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। अगर हमें चाहिए तो इसका डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका हम फोटो निकाल के रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में हमें रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। तो चलते हैं दोस्तों हम इसका कॉपी कर लेते हैं और अभी चलते दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है उसे हम ट्रैक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर जो फोर्थ नंबर पर जो ऑप्शन है ट्रैक स्टेटस का, तो चलते दोस्तों उसी ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसे हम देख लेते हैं। दोस्तों ट्रैक एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में देखिए एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारे सामने जो हमारा एप्लीकेशन का स्टेटस है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। और जैसे कि दोस्तों हम अभी फिलहाल हमारा जो एप्लीकेशन है सबमिट किए हैं, तो यहाँ पर देखिए सबमिट के स्टेज पर अभी रुका हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारे एप्लीकेशन के लिए एक बीएलओ अपॉइंट किया जाता है और फिर फील्ड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही दोस्तों हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम हमारे वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।